तो यहाँ पे दोस्तों एक सांप लाया मैं घर से, और मैं मारना नहीं चाहता हूँ, बच्चा है अभी, तो इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा है। और बहुत ही कम साहसी लोग होते हैं जो ऐसे सांपों को पकड़ते हैं। और भाई मुझे नॉलेज नहीं है जहरीला है कि नहीं है, और सांप देखिए भाई कैसा उछल रहा है। तो इसे मैं घर से लाया, और घर के नज़दीक ठीक नहीं है ये, और ये देखिए तो थक चुका है और अभी भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 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 गाइस, मैं इसे यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा, कहीं दूर छोड़ूंगा, जिससे कि आने जाने वालों को कहीं कहीं पे खतरा ना रहे। और देखिए भाई कैसा चल रहा है, भाई सांप नज़र आ रहा है ना वीडियो में, और मैं भी। तो बहुत ही कम साहसी लोग होते हैं, तो इसे घर से लेके आया हूँ। और भाई ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता है सांपों से, डर लगता है, लेकिन छोटा बच्चा है इसीलिए मुझे उतना डर नहीं लग रहा है इससे। बड़ा रहता तो मैं भी डर जाता, और बिल्कुल काला रहता तो और ज़्यादा डरता। और कोबरा तो है नहीं है, और मुझे ये नहीं पता भाई जहरीला है नहीं है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार आप थोड़ा इसे सामने ले, कैमरा सामने लेकर आइए, और जो पहचानते हैं सांप के बारे में कि जहरीला है कि नहीं है, तो थोड़ा कमेंट करें इस सांप के बारे में, मुझे ज़रूर बताएं भाई जहरीला है कि नहीं है। तो आइए थोड़ा आप दिखाइए, और ज़्यादा नज़दीक भी ना जाइए। और भाई ये सांप देखिए, और बताइए भाई जहरीला है कि नहीं है। एक बार मैं आपको इस सांप को पकड़ करके दिखाता हूँ, और क्लोज से आपको दिखाता हूँ। इसकी मुंडी नहीं आ रही भाई हाथ में, तो अब आ चुका है भाई। और ये देखिए भाई, चले नहीं चला रिकॉर्डिंग, तो ये देखिए भाई गौर से देखिए इस सांप को, और बताइए भाई जहरीला है कि नहीं है। किंग कोबरा वगैरह वगैरह ऐसा तो है नहीं ये, लेकिन इस सांप के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो इस सांप के बारे में ज़रूर बताना कि जहरीला है कि नहीं है। तो अपने हाथों से, छोटा बच्चा है इसीलिए पकड़ लिया, बड़ा रहता तो मेरी भी हिम्मत नहीं होती इसे पकड़ने की। और वैसे मैंने क्लियर अपने हाथ से पूरा नहीं पकड़ा, थोड़ा ये पॉलिथीन रैपर लिया हुआ है इससे पकड़ रहा पूछ, और बाकी ऐसे थोड़ा बहुत आइडिया है कि कैसे सांपों को पकड़ा जाता है। और बड़े सांप तो भाई हमारी बस की भी बात नहीं है। और चलो अब चलते हैं, इसे छोड़ते हैं थोड़ा कहीं पे, नदी में छोड़ते हैं यार, क्योंकि वहाँ से कहीं और जगह चले जाएगा, और यहीं अगल बगल छोड़ेंगे तो ये यहीं रह जाएगा। आ जाओ भाई कैमरा मैन हमारे पीछे पीछे आओ। तो दगड़ो इसे ऐसे घुमाएंगे जिससे कि ये आक्रमण ना करे मुझ पर। और नदी में देखना भाई सांप कैसे चलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये सांप हम यहाँ पे तो छोड़ रहे हैं, यहाँ अगल बगल कहीं आए ना, क्योंकि नदी किनारे हर कोई चलता रहता है, हम ही खुद चलते रहते हैं। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि ये दूरी रहे हमसे और इसके नज़दीक ना आ पाए। तो चलो इसे छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं, जंगल में तो नहीं कर रहा हूँ मैं, पानी में छोड़ रहा हूँ। पानी में भी आराम से चल लेते हैं ये सांप, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, पानी में तो चलते ही है। गर्मियों में तो हमें पानी में बहुत बार सांप नज़र आते हैं, तो इसे भी पानी में छोड़ते हैं और कहीं दूर निकल जाएगा ये। तो चलो भाई, और देखिए भाई कैसे चल रहा है वो।